हाय दोस्तों, आज हमारा मॉर्निंग सेशन अभी यहाँ पर खत्म हुआ है और मेरे साथ देखिए कौन है, कंपनी के वन ऑफ डायरेक्टर डॉक्टर विक्रांत सर मेरे साथ में हैं। और सिर्फ एक चीज़ पर, आपको कंपनी के बारे में बहुत कुछ पता है, सब पता है, क्या बैकग्राउंड है, कितनी बड़ी कंपनी है, लेकिन मैं सर से एक चीज़ पूछना चाहूँगा आज। सर, ये जो आपने A1 एकेडमी का प्लान किया है, मतलब मेरे लिए तो सरप्राइज है और ड्रीम था कि इस तरह का कोई इंडियन कंपनी आए कि जो एक एजुकेशन सिस्टम को राइट फ्रॉम डे वन से फॉलो कर सके। और हम बहुत लकी हैं कि इतना शानदार सिस्टम आपने लॉन्च किया। क्या मकसद सर इसका, शॉर्ट में बताइए कि क्यों आपने पहले दिन से इसको लॉन्च किया और फ्यूचर में A1 एकेडमी को लेकर क्या प्लानिंग है सर? थैंक यू सो मच जाफरी जी। मेरा मानना है कि इंसानों की ज़िंदगी में यदि कोई चीज़ इम्प्रूव कर सकती है, अपलिफ्ट कर सकती है, वो एक एजुकेशन ही है। और एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपके पास डिग्रियाँ हैं तो आप एजुकेटेड है। डिग्रियाँ तो जस्ट रसीदे हैं आपकी, जो आपने तालीम हासिल करने के लिए फ़ीस भरी है। बट असली नॉलेज ये है कि आप जब इंसान की लाइफ को अपग्रेड करना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हर लोग हर तबके से आते हैं। मज़हब अलग हो जाता है, जाति पाति अलग हो जाती है, एज, जेंडर, एजुकेशन स्टैंडर्ड, तो इन सारी चीज़ों का यदि परफॉर्मेंस हमने बेटर करना है तो हमें एक बेटर एजुकेशन सिस्टम देना पड़ेगा, यूनिफॉर्मिटी देनी पड़ेगी। और यदि इंसानों की ज़िंदगी से एजुकेशन को निकाल दें, इस संसार से एक बार एजुकेशन को निकाल दें तो दोबारा से हम आदि मानव वाली ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर देंगे। इसका मतलब यही है कि जितनी भी सिविलाइजेशन है वो बेसिकली एजुकेशन से हुई है। सिविलाइजेशन एजुकेशन से ही आगे बढ़ेगी। सो हम सिविलाइज्ड हैं एज ए ह्यूमन बींग, विदाउट एजुकेशन ये पॉसिबल नहीं है। और हमारे बिजनेस में तो मेरा मानना है 7-8 साल पूरे इंडिया में इस चीज़ को, डायरेक्ट सेलिंग को जीने के बाद मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो 4-4, 5-5 साल इस इंडस्ट्री में काम करते हो गए, बट उनसे मैं जब भी बेसिक्स के बारे में बात करता हूँ, लगभग 80% की मैं बात कर रहा हूँ, सो वो बेसिक एजुकेशन उनका इंडक्शन प्रोग्राम हुआ ही नहीं। सो हमारा मानना है कि बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, एडवांस तो आदमी अपने आप सीख लेता है। तो आपकी कंपनी की A1 एकेडमी का यही थीम है कि हम अपने लोगों को एम्पावर करें, उनका बिलीफ ऊपर लेके जाएं, उनका ट्रस्ट ऊपर लेके जाएं और उनकी नॉलेज को इन्हांस करें बेस लेवल से। और उसके अलावा सर देखिए कि यहाँ पर इतनी बढ़िया लोकेशंस पे आप लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तो सब लोग इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। आज देखिए फन भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। तो सर फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपका, मतलब A1 एकेडमी को लेकर थोड़ा सा? A1 एकेडमी में बेसिकली हर लेवल से हमने अपने टूल्स एंड ट्रेनिंग मॉड्यूल डिज़ाइन किए हैं और वो बिल्कुल वर्किंग थियोरेटिकली जो चीज़ें होती हैं उसको कैसे प्रैक्टिकली लेके आ सकते हैं। जैसे आपने अपने बच्चे को जब स्टार्ट करवाया था प्राइमरी स्कूल में तो उनका जो बुकलेट था वो वर्कशॉप टाइप में था, तो हमने भी इसमें ऐसे प्लान किया है कि आप जब स्टार्ट करते हो एक इक्वल अपॉर्चुनिटी का, जो मेन एजेंडा इस कंपनी का कि कोई फ्रेशर आके भी यहाँ बिना कोई ज़्यादा दिमाग लगाए यहाँ के प्रोसेस को फॉलो करके अपने आप को ग्रो कर सकता है। क्योंकि हम एक्सपीरियंस लोग तो ग्रो कर जाते हैं कहीं पे भी रह के, बट सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करता है फ्रेशर। और 90 डेज के अंदर ही 90% लोगों का ड्रॉप आउट रेशो रहता है। वो ड्रॉप आउट रेशो इसलिए होता है कि उनके पास रोड मैप नहीं, उनके पास बेसिक एजुकेशन नहीं है। सो इस कंपनी में आने वाले टाइम में A1 एकेडमी का स्टैंडर्ड वो होगा जो इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड जो एक ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग का हो सकता है, एक ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी को इनहांस करने का, उसको हम आगे लेके जा रहे हैं। फैंटास्टिक सर, थैंक यू सो मच, यही एक्सपेक्टेशन थी सर। और थैंक यू फॉर गिविंग अस सच अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, इतनी बेहतरीन कंपनी, इतना बढ़िया एजुकेशन सिस्टम। और दोस्तों हमारे साथ में प्रदीप सर भी मौजूद हैं, बहुत कम बोलते हैं सर लेकिन उनका काम सिर्फ बोलता है, हम सबको पता है। सर 2 मिनट आप कुछ बोलना चाहेंगे एस्टोनिया के बारे में? सबसे पहले तो यहाँ गोवा में आए हुए सभी गेस्ट का, सभी डायरेक्ट सेलर का मैं थैंक यू करता हूँ। और दूसरा सिर्फ एक ही बात बताना चाहता हूँ, जैसे आज के मॉर्निंग सेशन में हम सब ने बड़ा एंजॉय किया, ऐसे सब एक दूसरे को साथ लेके ऐसे ही लाइफ में आगे बढ़ते रहे, आपको आगे बढ़ने से और आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।